वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो, एक नई सुबह के साथ बहुत सारी बातों के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, फैमिली के साथ गुजरा होगा, दोस्तों के साथ गुजरा होगा। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आई थिंक हर इंसान रिलेट कर सकता है। शादी, शादी वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, भरोसे का रिश्ता होता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते को खोखला बना देती है, इस रिश्ते में दीमक की तरह काम करके इसके बिल्कुल जो इसकी बुनियाद है उसको हिला देती है, और वो है बेवफाई। चाहे वो किसी भी साइड से हो, मर्द बेवफाई करे, औरत बेवफाई करे। आज हम बात करेंगे कि मर्द आखिर दूसरी औरत की तरफ रागिब क्यों होता है। हम मर्द हजरात की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बात करते हैं मेजॉरिटी की। जो भी काम माशरे में ज़्यादा देखा जाता है, हमारे शो का एक मकसद ये होता है कि हम उस बारे में बात करें और उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों है। बहुत सारे केसेस में आई एम श्योर आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, हो सकता है आप उनमें से हों, हो सकता है आपके कोई दोस्त उनमें से हों, कि शादी हुई, सब कुछ सही है, लेकिन एक कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है किसी की बेवफाई का और फिर औरत सोचती है कि ठीक है अब हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए। कुछ केसेस में औरत सोचती है कि नहीं, बच्चे हैं या लोग क्या कहेंगे, मैं तो डिवोर्स नहीं ले सकती, और वो शादी जो है वो एज इट इज चलती रहती है। अच्छा, एनी रीज़न, जो भी उस औरत का डिसीजन है, जो भी उन दोनों लाइफ पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के लिए डिसीजन है, वो तो है ही है, लेकिन ये साइकोलॉजी आखिर है क्या? अमूमन जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो भी इंसान धोखा दे रहा होता है, सारा कसूर, सारा मसला उसके दिमाग का होता है। या तो इनसिक्योरिटी हो सकती है, या जो है वो एक सेल्फ इस्टीम के इशूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। और फिर कुछ केसेस कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि किसी मर्द ने एक गलती कभी कर ली बेवफाई की और उसके बाद उसकी बीवी ने उसका साथ दिया, इतना सपोर्ट किया कि उसके बाद ये दोबारा से जो है वो कभी सिलसिला नहीं हुआ। तो हर इंसान, हर इंडिविजुअल अलग है, हर कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन इसकी साइकी क्या है ये हम जानेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर कोई मर्द बेवफाई करे, दूसरी औरत की तरफ रागिब हो, तो क्या करना चाहिए, किसका कसूर है, किसको हम कसूरवार कहें और इस मसले को हल कैसे करें, इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो हम बात करेंगे जनाब इंफरटेनमेंट की। इंफरटेनमेंट पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे शो में एक ऐसी खातून भी मौजूद होंगी जो कि ख्वाजा सराओ के लिए बहुत काम कर रही हैं। ख्वाजा सराओ का आपको पता है कि अपनी शिनाख्त को मनवाने में उनको जो मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनमें से एज ए खातून हमारे साथ मौजूद होंगी। किस तरह से वो उनके लिए काम कर रही हैं हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। और खाने में क्या है, मैं आज हम बनाएंगे ईजी ब्रीजी कोल्ड चिकन सैंडविचेस। और आई नो चिकन मैंने कहा और आपने कहा चिकन के अलावा कुछ नहीं मिला इनको बनाने के लिए इतनी महंगाई में, चिकन कम है और उसमें बाकी लवाजमात ज़्यादा हैं, ताकि हम चिकन सैंडविचेस भी उनको कह सकें और ज़रा हम कम खर्चे में अच्छे अच्छे मजे के सैंडविचेस नाश्ते में खा सकें। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की जाने बढ़ते हैं। महंगाई आपको पता है, बात करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कितनी महंगाई हो गई है। तो एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहती हूं, और वो ये है कि लाहौर के बारे में है ये कि लाहौर की जो मेट्रो है और ऑरेंज लाइन ट्रेन है, उसने एक जबरदस्त किस्म की फैसिलिटी निकाली है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप अपना यूनिफॉर्म पहनकर मेट्रो लेते हैं लाहौर की, या ऑरेंज लाइन ट्रेन लेते हैं, कंडक्टर आपको देखेगा, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हेंस यू आर ए स्टूडेंट, तो आपको कोई भी किराया नहीं देना। इतनी महंगाई के दौर में मुझे लगता है दिस इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इससे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ कोई हो नहीं सकती। और ये बेसिकली डिसीजन इसलिए लिया गया, केयर टेकर CM पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी ने लिया था, ये संडे को डिसीजन उन्होंने अनाउंस किया था। और इसकी बेसिकली रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि एक तो फाइनेंशियल बर्डन कम होगा स्टूडेंट पे से। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरे पास एक सर्टन पॉकेट मनी है, उसको मैं कन्वेंस पे लगाऊं, खाने पे लगाऊं, अपनी दूसरी ज़रूरियात पे लगाऊं, वो मसला हल होगा। दूसरा ये कि अगर इस तरह की कोई भी व्हीकल सिस्टम, कन्वेंस सिस्टम जारी हो जाएगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा, तो सब लोग अपनी अपनी कार्स का इस्तेमाल करना कम करेंगे, स्ट्रीट्स पर ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होगा, फ्यूल की कंजम्पशन वैसे नहीं होगी, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। सो ज़बरदस्त किस्म की एक न्यूज़ है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनना इसके लिए मस्ट है, तो यूनिफॉर्म से ही वो आपको बेसिकली पहचानेंगे, कोई कार्ड भी नहीं देखेंगे बाय द वे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी न्यूज़ है
सैडली ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान अभी भी उन कंट्रीज़ में से एक है, बहुत ही चंद ऐसी कंट्रीज़ रह गई हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि अभी भी जिसमें पोलियो का कम्प्लीटली ख़ात्मा नहीं हुआ, कम्प्लीट इराडिकेशन नहीं हुई, पाकिस्तान उनमें से एक है। एंटी पोलियो ड्राइव शुरू हो चुकी है सिंध में, पंजाब में आज से, विच इज़ 13 मार्च। और ना सिर्फ ये कि ये ड्राइव जो है वो हमेशा की तरह, हर साल की तरह शुरू हुई है, बल्कि एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने इस पे। और गवर्नमेंट ने ये किया है कि इन्होंने ट्रक आर्ट, जो कि हमारा कल्चरली एक खूबसूरत तरीके का, जिसको कहना चाहिए कि एक सिंबल है, इससे हम रिकग्नाइज होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए ट्रक्स पे कुछ पोलियो इराडिकेशन से मुताल्लिक कुछ इस तरह का ट्रक आर्ट बनाया है कि जो लोग देखेंगे वो मुतासर होंगे, उनकी अटेंशन वहाँ जाएगी और इस मसले को कम्प्लीटली ख़त्म करने की हर साल कोशिश होती है। ये ट्रक ट्रैवल करेंगे उन एरियाज़ में जो कि ज़रा ज़्यादा अफेक्टेड हैं, हाई रिस्क एरियाज़ हैं पोलियो के लिए, खैबर पख्तूनख्वा है और अफ़गानिस्तान है, उस तरफ ये ट्रक निकलेंगे और ये जो एक मसला है पोलियो का, इसको खत्म करने में मददगार साबित होंगे। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो प्लीज 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 कोताही मत कीजिए। अगर पोलियो वर्कर्स आपके घर नहीं भी आ सकते हैं तो आप बाकायदा अपने बच्चे को लेकर जाइए। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है, अगर एक बार हो जाए देयर इज नो वे गोइंग बैक, कभी आप किसी तरह भी इसको किसी भी साइंस से सही नहीं कर सकते। प्लीज 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 इसको जो है वो सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप एक बच्चे की जिंदगी बना सकते हैं सिर्फ इसको सीरियसली लेके, अगर उनकी उम्र जो है वो 5 साल से कम है। तीसरी हमारी जो न्यूज़ है, अगेन दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, गूगल के बारे में। कौन है जो नहीं जानता, गूगल ने बहुत सारे मुल्कों के लोगों को डाइवर्सिटी के साथ बहुत सारी जॉब्स जो है वो मुहैया की हैं, और पाकिस्तान में भी गूगल जो है वो अब सपोर्ट कर रहा है उन विमेन वर्कर्स को जो कि टेक सेवी हैं या जो कि जिनका सॉफ्टवेयर की फील्ड से ताल्लुक है। 1500 औरतों को काम देगा गूगल, और वो बेसिकली होगा क्या कि 5 जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसमें गूगल की WTM Women Tech Makers इवेंट्स होंगे, और इन इवेंट्स में 1550 खवातीन को केटर किया जाएगा। भला किस तरह, रैलीज होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। मार्च 8 से सिलसिला स्टार्ट हुआ था, मई तक ये रहेगा, और इसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर टॉपिक्स बहुत सारे होंगे, लीडरशिप, टेक्निकल स्किल्स, और खवातीन जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में रहते हुए जो तकलीफ का सामना करती हैं उसके बारे में बात होगी। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं कि कोविड आया, महंगाई आई, इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि एक स्टडी मैं पढ़ रही थी कि इस कोविड के अरसे के बाद जितनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आई हैं नए नए आइडियाज़ लेके, ये एक हैरान कन कर देने वाली चीज़ है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं, फंडिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ इस बारे में ज़रूर कुछ सोचिए, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी अब इसके आने वाली बात की ज़िंदगी बना सकती हैं। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ईजी ब्रीजी कोल सैंडविचेस बनाएंगे, कम चिकन ज्यादा सब्जियां, क्योंकि हमें बजट का भी रखना है ख्याल, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मर्द बेवफाई क्यों करता है और क्या करना चाहिए सिनेरियो में। आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉल कीजिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।